ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के बड़े नेता रहे सतीश सिकरवार ने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में भोपाल में कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। सतीश सिकरवार के साथ 300 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सामंतवादी ताकतों से सतीश सिकरवार लड़ते और आवाज उठाते रहे हैं। सतीश सिकरवार को कई लालच दिए लेकिन वो बिकने वाले नहीं है, बिकने वाले बिक गए और आपने खरीद लिए। वहीं पूर्व आबकारी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने 15 महीने के कार्यकाल में वो कार्य किए हैं जो 15 सालों की भाजपा सरकार नहीं कर पाई, जबकि लाखन यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार करार देते हुए कहा कि जब 6 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर आए थे तो उनको काले झंडे दिखाए गए हैं, हमारी लड़ाई उसी गद्दार के साथ है। वहीं सतीश सिकरवार ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर 300 लोग मेरे साथ कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, उपचुनाव के बाद फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। सतीश सिकरवार जैसे स्वाभिमानी लोगों का कर्तव्य यही बनता है कि यदि हमने प्रतिज्ञा ली है तो अब हमारे पास कांग्रेस संगठन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक संगठन की आवश्यकता लंबी लड़ाई के लिए होती है और भाई सतीश सिकरवार ने आज हमारे प्रदेश के मुखिया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ जी के सामने आज उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा और संकल्प पत्र भरा है। मैं एक बार कहूंगा जोरदार ताली से भाई सतीश सिकरवार का स्वागत। जहां बड़े बड़े लोग अपने स्वार्थ के खातिर इधर से उधर हो गए वो दबाव में स्वार्थ में जैसे भी है, लेकिन वही सतीश सिकरवार जी हमारे एक ऐसे सिपाही भी है कि उन्होंने उनके दबाव को भी नहीं सहा, लालच को भी नहीं देखा और दंगे की चोट पर अपनी अंतरात्मा की आवाज में लोकतंत्र की हत्या करने में विश्वास आज कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं और बगैर किसी शर्त के शामिल हुए। मैं अपनी तरफ से अपने साथियों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कयास काफी दिनों से चल रहे थे लेकिन आज ये शुभ घड़ी आई है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ सतीश भाई की जितनी भी टीम आज आपके साथ आई है मुझे लगता है ये वो टीम है जो ग्वालियर की धरती पर कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत और माता रखती है। जिन परिस्थितियों में आज आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं बड़ी विकराल परिस्थितियां हमारे और आपके सामने। समाज की सेवा के लिए कभी चुनाव लड़ना जीतना मेरा नेचर नहीं, मेरा उद्देश्य समाज की सेवा करना है और जो शोषित है पीड़ित है न्याय से वंचित है ऐसे लोगों को न्याय दिला सके। हम राजनीतिक क्षेत्र में जब हमने कदम रखा है तो इसलिए कदम रखा है कि हम लोगों को न्याय दिला सके, उनकी सेवा कर सके। इसलिए सेवा के उद्देश्य में कांग्रेस पार्टी में माननीय सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की रीति नीतियों से प्रभावित होकर आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ।